जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आपका फाइनली जारी हो चुका है। एंड मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि किस वक्त मैं आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रात के 1:27 हुए हैं और ये मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम दिखा रहा हूँ। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आपका एडमिट कार्ड आया है और अभी यहां पर मैं इसको डाउनलोड कर पा रहा हूं। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है वो बताया जाएगा। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, अभी भी कोई रीजन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो आप कैसे कराएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करेंगे जो कि मैंने यहां पर इसके बारे में दी हुई है। और मैंने जब से नीट यूजी का फॉर्म आया था तब से लेकर अब तक इसके बारे में सभी जानकारी अपडेट की है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है नीट की, इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि आपका लिंक यहां पर दे दिया है। तो यहां पर आने के बाद में आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन सिक्योरिटी पिन डालिए। अगर आपको कोई एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तो शुरुआत में एरर आते रहते हैं, तो उसके लिए गाइज आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहां पर जैसे ही आपका एडमिट कार्ड एक्सेस हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप यहां पर अब आपका जो टेस्ट सेंटर नेम है वो भी देख सकते हैं, टेस्ट सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर आपका नाम लिखना होगा, रेसिडेंट ओप में आपको आपका एड्रेस लिखना है, फिर यहां पर आपको फोटो लगाना है अपना एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ये आपको लगाना होगा। और साथ ही आप यहां पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले, और यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। ये आप जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे आपके रूम इन्विजिलेटर के सामने तब आपको करने हैं। यहां पर आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो चिपकाना है दिए गए साइज में, जो कि 4x6 cm का होना चाहिए। एंड इसके ऊपर आपको अक्रॉस साइन भी करने हैं। इसमें आपको अक्रॉस साइन कैसे करने उसकी जानकारी दी गई है, और मैं आपको बता दूं कैंडिडेट को यहां पर जो लेफ्ट साइड है यानी कि इस तरफ यहां पर साइन करने होंगे आधे फोटो पर आधे नीचे की तरफ, और जो आपके रूम इन्विजिलेटर है, रूम निरीक्षक है, उनको राइट साइड में आधे फोटो पर और आधे नीचे की तरफ इस तरह से साइन करने हैं। साथ ही साथ जो बाकी के इंस्ट्रक्शन है वो आप यहां पर पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम सेंटर पर आपको कोई एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जानी है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहां पर आपको मेंशन की गई है। एंड बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें पढ़ लीजिए जो मैंने आपको बताया। मेन चीज है आपका एडमिट कार्ड, जो कि आपको कलर में प्रिंट कराना है यहां तक के, और साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी, ये जो मैंने आपको बताया ये मेन चीज है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज आपको लेकर के नहीं जानी है एंड बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब गाइज अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो आप कैसे कराएंगे? तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में कोई भी जानकारी मत देना, क्योंकि यहां पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है। इसलिए गाइज आप यहां पर सबसे लास्ट में आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप आपका नाम दीजिए, आपकी ईमेल आईडी एंड फोन के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आपको उसी के ऊपर आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही लिखेंगे नीट यूजी एडमिट कार्ड 2024, तीनों इन्फॉर्मेशन देनी अनिवार्य है। एंड जैसे ही आप यहां पर इन्फॉर्मेशन देकर के सबमिट करेंगे, जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा एंड उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइज अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट किया हूँ रात में आपको वीडियो को बना करके आपको अपडेट दे करके, तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।